बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा भूगोल लुसेंट सामान्य ज्ञान भाग 9। इसमें मैं कवर करूंगा भारत की जनगणना के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो देखते समय अपने पास इस बुक को जरूर रखें और महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उन सबको हाईलाइट करें। किसी भी कलर से हाइलाइट्स आप करें, हाइलाइटर आपके पास में चाहे पिंक हो, येलो हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो, लेकिन इस बुक को अपने पास में जरूर रखना है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बुक को मार्केट से परचेज कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक का आपको लिंक दूंगा, आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की जनगणना 2011। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित है। तो अब हम यहाँ पे गौर करते हैं कि यहाँ से क्या क्वेश्चंस बन सकता है, क्या क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ठीक है, हाईलाइट तो हमने कर दिया बुक में, यहाँ तक तो सही है कहानी हमारी, लेकिन हमको पता रखना है धारा कौन सी है 246 के अनुसार और कौन सी अनुसूची में आता है, 7वीं, क्रम संख्या क्या है 69। तीन क्वेश्चन आपके कवर हो गए यहाँ से, धारा, क्रम संख्या और अनुसूची का नंबर क्या 7। पढ़ना आपको ऐसे ही है, इसी तरह से आपको अपने आप से बातें करनी है और इन सब फैक्ट को याद करना है। अगला जो पॉइंट है जो हाईलाइट कर रखा है पहले से, वो ये है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो शुरुआत हुई 1872 में। कब हुई? 1872 में। उस समय लॉर्ड कौन थे? उस समय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में भारत की जनगणना की शुरुआत हुई? तो लॉर्ड मेयो। कब हुई? 1872। आगे बात करते हैं। देखिए, भारत में नियमित जनगणना मतलब कि रेगुलर फ्लो में जो जनगणना हुई, पहले तो बीच में कभी जनगणना हुई, फिर स्किप हुई, नहीं करा, कभी करा, कभी नहीं करा, एक तरीके से जो जनगणना स्टार्ट हुई तो वो हुई थी 1881 से। उस समय कौन लॉर्ड थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था रिपन। याद रहेगा, लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना हुई, लेकिन प्रथम जनगणना पूछेगा भारत की तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो दोनों के नेम में कंफ्यूजन नहीं करना है, एग्जाम में क्या पूछेगा, नियमित पूछेगा तो लॉर्ड रिपन, रेगुलर पूछेगा तब भी लॉर्ड रिपन, लेकिन फर्स्ट पूछेगा तब आएगा लॉर्ड मेयो। अब हम बात करते हैं 1881 में जो जनगणना हुई थी उस समय आयुक्त कौन थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था W.W. Plowden, राइट। अब हम यहाँ पे कवर करेंगे ये जो नाम है, ये जो नाम मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, W.W. Plowden, तो इसको आपने स्किप नहीं करना है माइंड से। ठीक है, ईयर तो जरूरत नहीं कि आप इतना कवर करेंगे, लेकिन जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर उत्तराखंड का या फिर मध्य प्रदेश का, आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इसका ईयर याद रखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर कि आधुनिक विश्व में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है स्वीडन को। किसको? स्वीडन को, जहाँ 1949 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। फिर हम बात करते हैं 10 की है जनगणना की शुरुआत 1790 से कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी अमेरिका में। देखिए, 10 की है का जो मतलब होता है 10 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद में होती है? अगर अभी जनगणना आप देख रहे हैं कि 2011 में हुई थी, तो इसके 10 वर्ष बाद ही अगली जनगणना होगी। ये जनगणना हर ईयर में नहीं होती है, 10-10 वर्ष के अंतराल में होती है। ठीक है, और 1801 में इंग्लैंड में जनगणना का प्रारंभ हुआ। जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी? जनगणना की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो बैलेंस है वो कहीं खराब ना हो जाए, मतलब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोजगार के साधन नहीं बन पा रहे हैं, खाद्यान्न जो है उत्पादन वो कम हो रहा है, तो क्या होगा, इंसान भुखमरी के कारण मर जाएगा। तो एक बैलेंस बनाने के लिए जनगणना करी जाती है कि हमारा ग्रोथ रेट क्या है, अगर हमको GDP निकालना है, NNP निकालना है, तो कहीं ना कहीं रोल जनसंख्या का तो होगा, है ना। तो इसलिए जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन पहली बार कब हुई थी? इंग्लैंड में। और कब हुई थी? 1801 में। आगे हम बात करते हैं, सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार हुई। जाति पर आधारित जनगणना कब हुई थी? 2010 में स्टार्ट हुई थी।
अगर बात करी जाए पहली बार तो 1931 में हुई थी, लेकिन उसके बाद गैप आ गया, ये जाति वाति की जरूरत नहीं पड़ी, फिर बाद में देखा गया कि ठीक है करना चाहिए। जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच में संपन्न हुई जनगणना 2011 जो हुई थी, उसका शुभंकर क्या था? शुभंकर प्रांगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य क्या था? एग्जाम में आपसे आदर्श वाक्य पूछा गया था कई बार, तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की वय के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए 2001 के जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में डिवाइड किया गया, जबकि 2011 में ये और बढ़ गया, यहाँ पे जो विभाजन हुआ वो हुआ 640 जिलों में। अब हम बात करते हैं महान विभाजक वर्ष क्या होता है। भारत की जननांकीय इतिहास में 1921 में महान विभाजक की संज्ञा दी गई। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि नेगेटिव थी। कितना नेगेटिव थी? -0.31। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई, इसलिए 1921 को विभाजन वर्ष की संज्ञा दी गई। और भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज किया गया। तो आपसे एग्जाम में देखिए ये पूछेगा कि विभाजन वर्ष या महान विभाजन वर्ष कौन सा है, आपको ऑप्शन देगा चार, तो आपको राइट आंसर चूज करना है 1921। कितनी जनसंख्या में कमी आई? 77 लाख। तो इन इन पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है और घनत्व कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला, और लिंगानुपात क्या होता है उसका फॉर्मूला। बाकी शिशु लिंगानुपात आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, केवल फर्स्ट और टू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। फॉर्मूला है इसका, कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से डिवाइड करो। नेक्स्ट लिंगानुपात, यदि मतलब कि प्रति 1,000 पुरुषों की तुलना में स्त्री की संख्या को बोलते हैं लिंगानुपात। स्त्री की संख्या डिवाइड बाय पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1,000। ठीक है, वन और टू दोनों इंपॉर्टेंट थे, दोनों को हाईलाइट करना है और याद करना है। 2011 जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े कौन कौन से हैं? 2011 की जनगणना का अंतिम आंकड़ा 30 अप्रैल 2013 को जारी जारी किया गया। इसके अनुसार क्या हुआ, भारत की कुल जनसंख्या कितनी काउंट हुई? इतनी हुई जिसमें इतने परसेंट पुरुष थे और इतने परसेंट महिलाएं थी। तो ये जो है आपको ये आंकड़ा याद रखना है कुल जनसंख्या का। ठीक है, 121 करोड़। समथिंग आप इतना याद कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको 121,05,69,573, तो आपको इतना बस लमसम इतना याद रखिए। वैसे कुल जनसंख्या एग्जाम में नहीं पूछी गई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ, देखिए भारत दो ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितना था, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो ये है आपका 17.5%। और जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई थी? इतने से घटकर इतनी हो गई है। और लिंग अनुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया। लिंग अनुपात कितना था पहले? 2001 की जनगणना के समय लिंग अनुपात था 933 से बढ़कर कितना हो गया? 943। तो 10 प्लस हुआ है। ठीक है, 10 प्लस 10 वर्ष के बाद में क्या होती है, जनसंख्या होती है। पहले थे 933, 2001 में 10 वर्ष बाद मतलब 2011 इसमें 10 ऐड कर दिया, 943 आ गया। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिए। शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष 927 से घटकर कितना हुआ? 919। और जनसंख्या में साक्षर लोगों की
जो संख्या थी 64.84% से बढ़कर कितनी हो गई 73%, इतने परसेंट क्या है एजुकेटेड हैं। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया जाने वाला राज्य कौन सा है, तो यह है आपका केरल। केरल में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनसंख्या है। और 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंग अनुपात कितना था 1945। तो आप यहाँ याद रखिएगा, अनुसूचित जातियों में लिंग अनुपात पूछेगा तो 945, लेकिन पूछेगा सिंपल लिंग अनुपात कितना है तो वो होगा आपका 943। तो यहाँ पे इस पे और इसमें आप कंफ्यूज मत करना अपने आपको, ठीक है, क्योंकि बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर उनको याद रहेगा ये पूछेगा उससे पहले वाला, बस क्वेश्चन गलत वहीं पे। 2011 में अनुसूचित जनजातियाँ ST का लिंग अनुपात कितना था 990, ST 990, अनुसूचित जाति 945। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। उल्लेखनीय है कि 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% है तथा ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 72.2%। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या किसकी है तो वो है आपका सिक्किम, और इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। कौन से राज्यों में तो सिक्किम है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में कौन है, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन वे दीव एवं लक्षद्वीप। यानी सिक्किम पहले नंबर पर सबसे कम है, उसके बाद में अंडमान निकोबार, दादर हवेली, दमन वे दीप, लक्षद्वीप। तो आप ये क्रम याद कर लीजिए, ठीक है, ये सही क्रम आपको पता है, सिंपल सिक्किम राज्य में आता है, तो ये सही क्रम अगर राज्य पूछेगा तो सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आपकी स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगी। तो 1 और 2 दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिलहाल जनसंख्या के बारे में, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से है घटते क्रम में। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, फिर सही क्रम 1, 2, 3, 4 परसेंटेज रखा है, परसेंटेज से आप लगा लेंगे आइडिया घटते क्रम में है कौन सा राज्य। और न्यूनतम सबसे कम सिक्किम में, जैसे हमने देखा था अभी सिक्किम में, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं, बिहार है, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। घनत्व का याद रखिएगा बस केवल, ठीक है, घनत्व बोलेगा तो बिहार। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश। लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य घटते क्रम में कौन से हैं, केरल है 1084, और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं, हरियाणा सबसे 1 पे आता है, उसके बाद में आपका आता है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं, यह रेट नहीं कर रखा है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं में नंबर 1 पे जो है वो है हरियाणा, ठीक है। बढ़ते बढ़ते क्रम में सबसे कम में आएगा आपका हरियाणा, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। साक्षरता के मामलों में हमने अभी देखा था पहले क्वेश्चन में कौन सा था, मैक्सिमम जो एजुकेशन है वो है केरल में, 94% लोग यहाँ के क्या हैं पढ़े लिखे हैं। उसके बाद में मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में है, सबसे पहले है बिहार, उससे थोड़ा सा बढ़ते क्रम में है आपका अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा बढ़ते क्रम में फिर राजस्थान है। तो आपको केवल पहले पहले पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, एग्जाम में आपको जो मैंने पहले पहले पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं इतना ही याद करना है आपको, ठीक है। सही क्रम आप मत करिए याद, क्योंकि देखिए घटता बढ़ता क्रम तो वो याद कर सकते हैं जो SSC CGL के 4600 वाले ग्रेड का फॉर्म भर रहे हैं या फिर कोई स्टेट PCS का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स में पेपर 1 में, GS पेपर 1 में वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है सही क्रम दर्शाइए, लेकिन बाकी अदर एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, LDC में नहीं पूछेगा, MTS में नहीं पूछेगा, CPM में नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन पहला पहला ऑप्शन सब में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आप ये नोट्स बना लीजिएगा साइड में। और न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य में आता है आपका बिहार। फिर आप देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य हिमाचल प्रदेश, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य है महाराष्ट्र। अनुसूचित जाति वे जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80 जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में है, पहला है पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा।
और सर्वाधिक अनुसूचित जाति हैं। जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखिए एक नोट दे रखा है इसमें, काफी अच्छा पॉइंट है, ये भी देखिए पढ़ लीजिएगा इसको। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एससी निवास नहीं करते, वहां पर एससी नहीं है, ठीक है। किस स्थान पर एससी निवास नहीं करते, आपके सामने 4 ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एससी नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं एसटी की, तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा जो है एसटी कहाँ पे मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके मध्य प्रदेश में। झारखंड में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जनसंख्या के मामले में छठे स्थान पर है। इसकी एसटी जनसंख्या कोई इतनी है। देखिए हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है, तो आपको हाईलाइट केवल इतना करना है। एसटी पूछे तो हरियाणा पंजाब में बिल्कुल भी एसटी नहीं है, पूछे अगर आपसे एससी तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी नहीं है। जनगणना 2011 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। दूसरा वे तीसरे स्थान पे आता है पांडिचेरी और चंडीगढ़। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश है दादर व नागर हवेली, और सर्वाधिक जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों में आता है दिल्ली। और बात करी जाए न्यूनतम जन घनत्व वाले जो वो है केंद्र शासित, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है आपका पुदुचेरी, और न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश है दमन वे द्वीप। दमन वे द्वीप सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। आगे हम बात करते हैं, देखिए सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। राज्य में तो केरल है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में है आपका लक्षद्वीप, और न्यूनतम साक्षरता जो है वो है आपकी दादर व नागर हवेली की। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित देश है आपका दादर नागर हवेली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या कितनी है यहाँ की, यहाँ की जनसंख्या है केवल 64,473। अब नोट पढ़ते हैं एक बार कि दिल्ली चंडीगढ़ वे पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी निवास नहीं करते। देखिए बच्चों पार्ट 9 में भारत की जनगणना से संबंधित हमने क्वेश्चंस पूछे आपसे, हमने क्वेश्चन डिस्कस करे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम अभी बहुत है। इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, नदियों के किनारे क्या क्या स्थित है उसके बारे में देखेंगे, प्रमुख नगर, भारत के पर्वतीय नगर, जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, भारत के भौगोलिक उपनाम, भारतीय जनजाति, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी कौन कौन सी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ये इसका अंतिम भाग होगा, भूगोल इसके बाद में कंप्लीट फिनिश होती है। तो चलिए करते हैं कवर। भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, तो इसमें जो सबसे पहले आपको याद करना है, इस पूरे को ही आप हाईलाइट कर लीजिए, इसमें से कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग इसमें स्किप नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट है। भांगड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर है और इससे लाभ प्राप्त करने वाले जो राज्य हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। उसके बाद व्यास परियोजना व्यास नदी पर है, इसमें कवर होंगे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। दामोदर घाटी योजना दामोदर नदी पर है और झारखंड और पश्चिम बंगाल, इससे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना से किसको लाभ मिलता है, इन सब राज्यों को। फिर बात करते हैं
हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वह है उड़ीसा। चंबल परियोजना चंबल नदी पर जो राज्य है वह राजस्थान के मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर परियोजना तो यह आपका कृष्णा नदी पर अरुणाचल, सॉरी यह है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है याद रखिएगा इसको। आगे देखिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इसमें यह इम्पोर्टेंट है रिहंद योजना रिहंद नदी पर और यह उत्तर प्रदेश में। कोयना परियोजना यह है आपका कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। फिर आप करिए हाईलाइट शारदा परियोजना शारदा नदी पर गोमती नदी पर और उत्तर प्रदेश लाभान्वित होता है इससे। और उसके बाद है गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश तथा गुजरात इससे क्या होते हैं लाभान्वित होते हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में जवाहर, और ये भी योजना कहाँ पर है चंबल नदी पर राजस्थान में। सरहिंद नहर परियोजना सतलुज नदी पर हरियाणा में, और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तथा राजस्थान को इससे क्या होता है लाभ की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है तो ये बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। बात करते हैं दिल्ली जो बसी हुई है वो बसी हुई है यमुना नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी, अयोध्या सरयू नदी, कलकत्ता हुगली, लखनऊ गोमती, नासिक गोदावरी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, मथुरा यमुना, बरेली रामगंगा, उज्जैन छिप्रा, विजयवाड़ा कृष्णा। तो जो जो पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं केवल उतने ही नदियों के नामों को याद करने हैं। याद कैसे होंगे, हर वीडियो को जब भी आप प्ले कर रहे हैं पॉज करिए, मतलब उसको रोकिए, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिए। अपनी बुक को जब आप हाईलाइट कर रहे हैं तब बोल बोल के हाईलाइट करना है, ठीक है। इस वीडियो के बाद में तुरंत जैसे ही क्लोज होगा दोबारा एक बार वॉच करना है इस वीडियो को, और अपनी बुक में टैली करना है कि क्या मैंने सही हाईलाइट करा है, कोई स्किप तो नहीं हुआ। और जब भी देखो तब बोलो उसको, दो बार वीडियो देखोगे आपको याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं भारत के पर्वतीय नगर कौन से हैं। गुलमर्ग है आपका जम्मू कश्मीर में, रानीखेत उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, शिलोंग मेघालय में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, खांडला यह है महाराष्ट्र में, माउंट आबू राजस्थान में, पेरियार केरल में। ऊंचाई आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान क्या है। देखिए भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, कहाँ पर है ये है आपका उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम क्या है हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में। फिर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, इसका क्षेत्रफल है 3568 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको डाटा याद करना है, ये वर्ग किलोमीटर कितना है ये याद करना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं देश में सर्वाधिक 94 वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सबसे ज्यादा जो है अभयारण्य कहाँ पर है तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब हम बात करते हैं कुछ अभयारण्य के बारे में, उसके नाम और कहाँ पर ये स्थित है और प्रमुख वन्य जीव प्राणी कौन कौन से हैं। जहाँ पे सभी पाए जाते हैं तो हमको ये सब नहीं पढ़ना है, हमको केवल याद रखना है पलामू अभयारण्य कहाँ पर है, इसको बोलते हैं बेतला, झारखंड में है, हजारीबाग पड़ता है झारखंड में, गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है आपका उत्तराखंड में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है आपका उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में आता है आपका मानस असम में, काजीरंगा असम में, रणथंबोर राजस्थान। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये सभी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक सींग वाला जो यहाँ पे हमको जानवर ये मिलता है गैंडा मिलता है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ मिलता है असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको सब किस राज्य में कौन सा पड़ता है वो सब याद करने पड़ेंगे। फिर है चिल्का अभयारण्य उड़ीसा में, पेरियार केरल में, बाघ वंगड़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। अब हम बात करते हैं भारत के बाघ अभयारण्य के बारे में। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वो है नागार्जुन सागर,
श्री सेलम मतलब आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है ये? ये है आपका आंध्र प्रदेश में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व है आपका पेंच। कहाँ पर है? ये है आपका महाराष्ट्र में। बाघ अभयारण्य के बारे में थोड़ा सा तीसरा फैक्ट हम और पढ़ लेते हैं। देखिए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व है आपका नामदफा, और ये कहाँ पर है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। बाघ अभयारण्य के नाम, स्थापना और राज्य तीनों ही आपको हमको याद करने हैं, आपको याद करने हैं, ठीक है। देखिए, सरिस्का जो है इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, और ये किस राज्य में है? ये है आपका राजस्थान में। कहना स्थापना वर्ष 1955, राज्य है आपका मध्य प्रदेश। कॉर्बेट 1957 उत्तराखंड, दुधवा 1958 उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि 1989 बिहार में, ये है आपका पन्ना मध्य प्रदेश में। पन्ना किस चीज के लिए विख्यात है? हीरे के लिए विख्यात है। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था, जहाँ पे हमने खाद्यान्न के बारे में पढ़ा था ना, वो चैप्टर। सुंदरवन 1973 पश्चिम बंगाल में, पेरियार 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये कहाँ पर है? केरल में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। सतपुड़ा पंचमढ़ी गिर, ये है आपका सतपुड़ा पंचमढ़ी 1999 में, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और गिर ये है गुजरात में। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम कौन कौन से हैं, तो ये भी देख लेते हैं। फिलहाल हम लोग ईश्वर का निवास स्थान बोलते हैं प्रयाग को, पांच नदियों की भूमि बोलते हैं पंजाब, सात टापुओं का नगर बोलते हैं मुंबई को, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर, डायमंड हार्बर कलकत्ता, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोची, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उसके बाद में मसालों का बगीचा केरल, गुलाबी नगर जयपुर। बाकी की चीज़ों को आपने स्किप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्व का पेरिस जयपुर, सॉल्ट सिटी गुजरात, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। सोया का मतलब सोने से नहीं है, सोया का मतलब सोयाबीन। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम सोयाबीन मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं सोया प्रदेश। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, महलों का शहर कलकत्ता, नवाबों का शहर लखनऊ, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, गोल्डन सिटी अमृतसर। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों को बोलते हैं, और पवित्र नदी है आपकी गंगा, बिहार का शोक कोसी, ब्रज गंगा गोदावरी, पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर को। वन नगर देहरादून, क्योंकि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में मैक्सिमम जंगल है, वन है, तो वन नगर बोलते हैं देहरादून को। सूर्य नगरी बोलते हैं जोधपुर को, राजस्थान का गौरव बोलते हैं चित्तौड़गढ़ को, कोयला नगरी बोलते हैं धनबाद को। अब हम बात करते हैं भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, ये आपको खुद याद करना है, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं राजधानी के बारे में, पता होनी चाहिए किसकी राजधानी क्या है, तो ये आप खुद याद करेंगे, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है आपने, तो ये सब एज इट इज आपको याद करने हैं। भारत की जनजाति के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदाय के अंशों या समूह से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या में हमने पढ़ा था अभी 2011 जो पहली स्टार्टिंग में जो भी हुआ था वीडियो स्टार्ट, तो वहां पे हमने ये सब चीजें देख रखी है, वही दोबारा रिपीट हो रही है। वही मिजोरम जो है 94.4% की दृष्टि से बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। संविधान के 89वां संशोधन 2003 के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की व्यवस्था करी गई थी, और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूएस डेबर। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जनजाति कौन सी कहाँ पाई जाती है, जनजाति कौन सी कहाँ पाई जाती है। देखिए, गुजरात में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है वो हमको पता होना चाहिए। भील, बांजरा, कोली, पटेलिया, डाफर, डोडिया, ये जनजातियाँ संबंधित हैं, वो है गुजरात से।
फिर हम बात करते हैं मेघालय की। गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं मेघालय में। उसके बाद हम कवर करते हैं सिक्किम, लेपचा, असम, राभा और दिमारा। जनजाति के नाम हैं ये, और ये कहाँ पाए जाते हैं? असम में। संथाल, मुंडा, हो और ओराव, ये जनजाति पाई जाती हैं झारखंड में। ओंजे, जारवा, जरना, अंडमान निकोबार में। जनजाति के कुछ ही नाम आपको याद रखने हैं। देखिए, इतनी सारी जनजाति एक्चुअली आप याद नहीं कर पाएंगे, हर एक के नाम डिट्टो आप याद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए केवल और केवल जो मोस्ट टाइम पे है केवल उस पर फोकस करना है आपको। उसके बाद में भारत की सर्वाधिक आधे जनजाति जो है वो है गोंड है, जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उसका नाम बताइए, उसका नाम है गोंड। और उसके बाद में है कि अगली है आपकी टोडा जनजाति, नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। थारो जनजाति जो है दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मानती है। मिथिन त्योहार नागा जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है। उसके बाद में संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। संथाली जो लोग होते हैं, पुजारी जो होता है उसको बोलते हैं नायक। उसके बाद हम बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में और क्यों जॉइक ईरा में हुई थी। और भारत आने वाले सबसे पहला प्रजाति समूह जो था वो था निग्रो, और नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई। सबसे अंत में कौन सी प्रजाति थी? वो थी नार्डिक। और हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया। उसके बाद में हम बात करते हैं निग्रिटो के बारे में। निग्रिटो जो हैं वो हैं अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर वे कोचिन की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। मंगलॉयड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमरीका के मूल निवासी थे। भारत में यह असम, हिमालय क्षेत्र, लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं प्राच्य के बारे में। देखिए, प्राच्य जो है वह सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग। भूमध्य सागरीय में क्या होता है, ये उत्तर भारत के उच्च जातियां हैं। यहाँ पर उत्तर भारत की उच्च जातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का मैं यहीं पर अंत करता हूँ। अब ज्योग्राफी में जो लुसेंट बुक थी, लुसेंट बुक का ज्योग्राफी भाग हमने पूरा कंप्लीट कर दिया इस वीडियो में। इससे पहले के हिस्ट्री के पार्ट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आप उन सबको भी दे सकते हैं। और आपसे मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो ये नॉलेज काफ़ी लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगी। और ये जो वीडियो है YouTube के सर्च इंजन पर प्रायोरिटी बेस पर आएगा, सबसे नंबर वन पे दिखाई देगा। नंबर वन पे दिखाई देगा तो कॉमन सी बात है, कई लोगों तक तो ये आसानी से पहुंच पाएगा। आप बस केवल इतना करिए कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और लाइक करिए। देखिए, इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, ढेर सारी किताबों की कंप्लीट वीडियो। इसकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, मैक्सिमम 80% 90% कंप्लीट हो चुका है। इसकी 100% कंप्लीट है, इसके कुछ वीडियो पेंडिंग है। इसको आप इन सब की प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में उसके बगल में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। और इस वीडियो को आप ऑफलाइन सेव मत करें, क्योंकि ऑफलाइन सेव करने से क्या होता है कि सर्च इंजन पर वीडियो की जो प्रायोरिटी होती है वो कम हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी और का भी बेनिफिट हो इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इसको डायरेक्ट वॉच करिए, वीडियो को डायरेक्ट प्ले करिए। डाटा थोड़ा खर्च होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में कभी कभी ऐसा होता है कि वो वीडियो हमेशा ऑफलाइन का बन जाता है, हम देख नहीं पाते। चलो ठीक है, ऑफलाइन सेव कर रखा है ना, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। तो डाटा जब खर्च होता है तो माइंड में एक फ्लो बन जाता है कि हाँ, डाटा खर्च हो रहा है, पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या आप समझ गए होंगे। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।